गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ निशा शर्मा, आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास थर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 8, हु इज हैवियर। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड फ्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, गुड एंड ग्राउंडनट्स। इसमें से हमने देखा था कि ग्राउंडनट्स जो हैं वो हल्की होती हैं वेट में, एंड गुड इज हैवियर। ओके, पंपकिन और टोमेटोज की हमने सीसॉ पे मस्ती देखी थी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विथ दिस टॉपिक, डबल हर वेट, विथ पेज नंबर 116। लेट्स स्टार्ट। कुंजम्मा'स पेरेंट्स हैव अ डिफरेंट वे of celebrating Independence Day because Kunjamma was born that day. अब कुंजम्मा के जो parents हैं उनका अलग तरीका है Independence Day मनाने का, ठीक है, क्योंकि वो उसी दिन जन्म हुआ था, उसका वो बर्थ उसका बॉर्न हुआ था, ठीक है। They buy sweets double of Kunjamma's weight. वो कुंजम्मा की weight की just double मिठाई खरीदते हैं, ठीक है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं देम अमंग पुअर पीपल, गरीब लोगों में उस मिठाई को बांटते हैं, ठीक है। जो पुअर पीपल होते हैं उनको वो मिठाई देते हैं खाने के लिए। व्हेन कुंजम्मा वाज बॉर्न, अब जब कुंजम्मा पैदा हुई थी तो वो कितने केजी की थी, कितने किलो की थी, वेट उसका क्या था, शी वाज 3 केजी की थी। टुडे इज इंडिपेंडेंस डे एंड कुंजम्मा इज 5 ईयर्स ओल्ड, और अब आज उसका बर्थडे है और वो इंडिपेंडेंस डे, तो वो कितने साल की हो गई, 5 ईयर्स की, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आज वो 5 ईयर्स की हो चुकी है। शी इज 28 केजी नाउ, और वो आज 28 केजी की है। नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे हमें उसकी एज दे रखी है और एज के अकॉर्डिंग उसका वेट बता रखा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कुंजम्मा'स एज, यहाँ पे उसकी एट बर्थ, बर्थ पे वो कितने केजी की थी, उसका वेट क्या था, 3 केजी। तो अमाउंट ऑफ सीड्स हो गया, डबल देते हैं ना वो लोग, 3 प्लस 3 तो उसका वेट था और वो उसका डबल करके स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पुअर पीपल में, ठीक है। तो नेक्स्ट 1 ईयर की हुई तब उसका वेट हो गया 9 केजी, तो 9 प्लस 9 18 केजी उसने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। सेकेंड ईयर जब वो 2 ईयर्स की हो गई तो उसका वेट क्या हो गया, अब हमें ये वेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 13 है, देखो 13 का डबल किया हुआ है, यानी कि उसकी एज 13 होगी तभी उसका डबल वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब वो 3 ईयर्स की हुई तो उसका वेट हुआ 17 केजी, यानी कि 17 प्लस 17 34 केजी। उसके बाद वो 4 ईयर्स की हुई 22, यानी कि 22 प्लस 22 44 केजी। 5 ईयर्स की हुई तो 28 केजी। ये हमने जो 4 ईयर्स का है ना वो हमने अप्रोक्सीमेट लिया है, क्योंकि है ना हम जस्ट गैस कर रहे हैं कि उसके वेट के डिफरेंस में कितने का अंतर आ रहा है। देखो आप 10 केजी ऑलमोस्ट अराउंड, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि 22 की वो होगी, और 5 ईयर्स में वो 28 की हो गई, तो 28 प्लस 28 56 केजी। इस तरीके से इसको फिल करेंगे आप अपनी बुक में, ठीक है। You can ask your parents how much a 2-year-old or 4-year-old child could weigh. अब आप देखो यहाँ पे, देखो 2-year-old जो है वो 13 केजी बताया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन 4 ईयर में ना तो यहाँ पे दिया हुआ है ना यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि 2 साल के बच्चे का और 4 साल के बच्चे का जो वेट होता है वो कितना होता है, अराउंड कितना होता है, ठीक है। यम यम राइस, अब यहाँ पे यमी यमी चावलों के लिए बताया हुआ है कुछ।
she go to heard about a new dish on the radio. अब शुगोटो ने एक नई डिश सुना है कहाँ पे, रेडियो पे. ही वॉन्ट्स टू ट्राई मेकिंग इट. अब वो बनाना चाहता है उसको डिश को. वेन ही नोट्स डाउन हाउ टू मेक इट ही गेट्स कन्फ्यूज्ड. अब उसने जो डिश को उसका पूरा रेसिपी वगैरह उसने लिखी है, नोट डाउन किया है, तो उसको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है. क्यों कन्फ्यूजन हो रहा है? दिस इज वॉट ही नोट्स डाउन. अब उसने क्या लिखा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पोर टू स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट. टू स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट, ठीक है. अब वो क्या कर रहा है, सबसे पहले तो दो स्पून डालनी है वाटर की, कहाँ पे, पॉट में. बॉइल द वाटर एंड एड वन पिंच ऑफ दाल, हाफ के जी रेड चिली पाउडर, वन बाउल सॉल्ट. अब ये उस पानी को, इसने पहले तो पानी डाला, ठीक है, उसके बाद उसने उस पानी को गर्म किया है और फिर ये सब डालना है उसको. नाउ पुट अ स्पून ऑन राइस, एड टू पीस एंड एट ग्लासेस ऑफ मस्टर्ड सीड्स, फाइनली एड वन केजी ऑफ ऑनियंस, मिक्स एवरीथिंग एंड बॉइल फॉर 15 मिनट्स. But Shugoto feels there is something very wrong in the amounts of everything. लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट है ना वो सबका बहुत गलत गलत है. ऑब्वियसली आप पानी लोगे दो स्पून तो टू स्पून पानी तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है. तो ये यहाँ पे जो आपकी इसकी वो सारी चीज़ें दे रखी हैं, अमाउंट जो दे रखा है सब चीज़ों का, वो बहुत ज़्यादा कम है, वो बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है. हेल्प हिम मैच द थिंग्स विथ देयर राइट अमाउंट्स. अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपको और ये दे रखा है, ठीक है, इनको मैच करना है. तो मैंने अपने अंदाज से मैच किया है, आप खुद से कर सकते हो, ठीक है. राइस हमने लिया है 1 kg, ठीक है. राइस हम लेंगे 1 kg क्योंकि हमें अब बना रहे हैं हम वो रेसिपी जो भी उसको चाहिए, उसने जो लिखा है, ठीक है. तो उसके लिए हमने राइस लिया 1 kg. दाल ली है हमने 1/2 kg, राइस से आधा. अब ये दोनों उसने बता रखा है, अब ये फिल हमें करना है. पीस मटर 1 बाउल, एक बाउल में एक कटोरी मटर ली है हमने. वाटर लिया है 8 glasses, ठीक है. वाटर लेंगे हम 8 glasses. देखो ये यहाँ पे वो कर दिया, सिर्फ इनको इंटरचेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है. ऑनियंस 2, हमने 2 ऑनियंस लिए हैं. सॉल्ट लिया है हमने 1 pinch. मस्टर्ड सीड्स लिए हैं 2 spoons. एंड रेड चिली पाउडर लिया है 1 spoon. तो अब इस सारी को यहाँ पे फिल करके आप ये रेसिपी देखोगे तो आप इसको बना सकते हो आप अपने आप से, खुद से, ठीक है. तो आप देखिए, राइस पोर 2 spoon ऑफ वाटर इन द पॉट, यानी कि हम वाटर कितना लेंगे, 8 glasses, ठीक है. pour 8 glasses ऑफ वाटर इन द पॉट. सबसे पहले उस पॉट में 8 glasses पानी डालेंगे. बॉइल द वाटर एंड एड, पहले फिर उस पानी को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे, बॉइल करेंगे, उबालेंगे. एंड एड 1 pinch ऑफ दाल, 1 pinch थोड़ी ना लेंगे, 1/2 kg लेंगे. देन 1/2 kg ऑफ दाल, 1 spoon रेड चिली पाउडर एंड 1 pinch सॉल्ट. नाउ पुट 1 kg ऑफ राइस, ओके. एड 1 bowl पीस एंड 2 spoons मस्टर्ड सीड्स, फाइनली एड 2 onion कितना लिया था हमने, 2 onions लिए थे. तो फाइनली एड 2 onions, ठीक है. एंड मिक्स एवरीथिंग एंड बॉइल फॉर 15 मिनट्स. यहाँ पर हमारी, ठीक है, क्या बन रहा है, बिरयानी, ओके. ये चावल की बनाते हैं ना हम लोग, मिक्स वो बना रहे हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहा है शुगोटो. उसने वही रेसिपी उस पर देखी थी. So this is it for this class. In our next class, we will study activity time.
in these topics. Thank you so much. Have a nice day.